नमस्कार, मैं रेखा, मेरी सुपर रसोई में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चाट लेकर आई हूँ, रगड़ा पेटीज। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और इसे रगड़ा के साथ जब आप इसे सर्व करके खाएंगे तो ये देखिए बहुत स्वादिष्ट लगती है। ये देखिए, तो इसे बनाने के लिए हमें देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो चलिए, रगड़ा पेटीज बनाने के लिए हमें, मैंने यहाँ पर 1 कप मटर लिए हैं। ये सफ़ेद मटर है, ये देखिए आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। तो इन्हें मुझे भिगोना है, यानी कि 7 से 8 घंटे के लिए हमें भिगोएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तो 3-4 घंटे भी इसे भिगो सकते हैं, गर्म पानी में भिगोइएगा। देखिए, मैंने पहले से ही भिगो कर रखे हैं। ये देखिए, मैंने इसे ओवरनाइट भिगोया है। आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं या 7 से 8 घंटे भी भिगो सकते हैं। और अब मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और इसमें 2 गिलास पानी डाला है। और इसे कुकर में डालेंगे और इसमें हम 5 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। अच्छे से पकाना है हमें, ताकि ये हमारे जो मटर है एकदम सॉफ्ट हो जाए। अगर 5 सीटी में नहीं बनेगा तो हम थोड़ी ज़्यादा भी लगा लेंगे। तो चलिए, मैं इसे बनाती हूँ। तो देखिए, रगड़ा बनाने के लिए मैंने मटर रख दिए हैं, वो उबल रहे हैं। यहाँ पर मैंने 3-4 आलू लिए हैं और अब मैं इन्हें, ये हमारे पेटीज के लिए काम आएंगे, तो मैं इसे छील कर ग्रेट कर लेती हूँ। तो देखिए, आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं और अब मैं इसमें मसाला डाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ और 1 छोटा चम्मच धनिया पिसा हुआ और नमक स्वाद अनुसार डालिए। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है, 1 हरी मिर्च ली है, उसे बारीक काटा है, और थोड़ा सा धनिया लिया है। और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। आपके आलू गीले नहीं होने चाहिए, आप इसे उबाल कर फ्रिज में रख सकते हैं। और ये देखिए, ये तैयार हो चुका है। तो देखिए, मैंने यहाँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, ताकि हमारे आलू अगर गीले होंगे तो इनका जो पानी है वो सूख जाएगा। इस तरह से ये हमारे रगड़ा है, सॉरी पैटीज है। ये रगड़ा तो अभी तैयार हो रहा है कुकर में, तो ये लीजिए। और अब इसे टिक्की की तरह हम इसका आकार देंगे। और इस तरह से मैं बना लूँगी। ये देखिए, ये बिल्कुल आलू टिक्की की तरह बनता है। तो देखिए, हमारी तैयार हो गई पेटीज, तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से लगाएंगे हम, ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बने। ये देखिए, और इस तरह से इसे सभी को थोड़ा थोड़ा कवर कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो होगा उसे हटा देंगे। और ये देखिए, इस तरह से मैं सभी को लगा लूँगी। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं, जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो देखिए, ये तैयार हो चुकी है। और अब मैं गैस पर कढ़ाई रखती हूँ। देखिए, मैंने इस तरह की कढ़ाई ली है, आप फ्राईदान भी ले सकते हैं, ताकि आपकी जो टिक्की जो ये बना रहे हैं रगड़ा अच्छे से बने। और मैंने इसमें ऑयल डाला है। और देखिए, मैं ज़्यादातर जो भी खाना बनाती हूँ सब आयरन की कढ़ाई में बनाती हूँ, जो बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप आयरन की कढ़ाई में ही बनाएं, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में जब हम बनाते हैं तो खाना हमारा पौष्टिक होता है और हेल्दी होता है। तो चलिए, देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी। और यहाँ पर मैंने जो ऑयल लिया है वो रिफाइंड ऑयल है, आप चाहे तो कैसा भी ले सकते हैं। और चलिए, अब मैं इसे रख देती हूँ। और हमें इसे स्लो पर ही पकाना है, ज़्यादा हाई मत कीजिएगा। और इसे अलग प्लेट करके अच्छे से पकाएंगे। और इनकी एक साइड में पकने देती हूँ। तो देखिए, पेटीज हमारी तैयार हो गई। मैंने इसे पलट कर और अलट पलट करके इसे अच्छे से पकाया है। और ये देखिए, और ये देखिए लोहे की कढ़ाई में, सॉरी लाइट चली गई है हमारी,
तो ये देखिए अच्छे से बन चुकी है। तो पेटीज तैयार हो गए, रगड़ा की तैयारी करते हैं। तो देखिए पेटीज हमारी तैयार हो चुकी थी और यहाँ पर रगड़ा भी तैयार हो चुका है। बट मैं इसे इसमें मैंने एक चीज़ बताना भूल गई हूँ आपको, जब मैंने इसे उबाला था तो इसमें नमक और हल्दी डाली थी। और ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं ये, और इसमें जो पानी है ये ही हमें चाहिए। तो चलिए अब इसे बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऑयल लिया है, एक बड़ा चम्मच डाला है और रिफाइंड ऑयल है। और यहाँ पर इसे गर्म होने पर मैं जीरा डालूंगी, जीरा डाल देते हैं। और मैंने आधा छोटा चम्मच राई ली है, राई हमारी पक गई है। और यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट पेस्ट नहीं लिया, मतलब थोड़ा सा दरदरा कूटा है, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे इसे। और इसमें डाल देंगे, मैंने दोनों को अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए लहसुन अदरक हमारे भून चुके हैं। और यहाँ पर मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं, उनको मैंने एकदम बारीक पीसा नहीं है, थोड़ा दरदरा रखा है। देखिए आप बारीक चॉप भी कर सकते हैं। अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि थोड़ा प्याज हमारा भून चुका है। और मैंने यहाँ पर हरी बारीक हरी मिर्च ली है, बारीक काटा है इसे, उसे अच्छे से भून लेते हैं इसके साथ। तो देखिए सब कुछ भून चुका है। और अब मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है, टमाटर को भी अच्छे से भूनेंगे। मैंने दो टमाटर लिए हैं और फिर अच्छे से भून लेंगे। और इसमें साथ ही में हम मसाला भी डालेंगे। यहाँ पर दो छोटे चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, ये कलर वाली है, इससे तीखा पर ज़्यादा नहीं आता है। और दो छोटे चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। और अभी मैं अच्छे से भूने लेती हूँ और नमक डालूंगी मैं इसमें, एक छोटा चम्मच नमक। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अच्छे से भून सके। टमाटर के साथ हमारे टमाटर भी भूनेंगे और ये मसाला भी हमारा भून जाएगा। तो देखिए मसाला भून चुका है, ये देखिए कितना अच्छा मसाला भुना है हमारा। और ये जो हमने ये मटर तैयार किए हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। और इसे अगर आपको इसमें पानी कम लग रहा है तो आप पानी और डाल लीजिएगा, और मुझे थोड़ा कम लगा है। मैं इसमें आधा गिलास पानी डालूंगी और इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और फिर हमारा जो रगड़ा है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा बना है। और कितना अच्छा कलर आया है, ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है। तो चलिए मैं इसे 5 मिनट पकाती हूँ, आधा गिलास पानी डालकर पकाऊंगी। तो देखिए बन चुका है हमारा रगड़ा, तैयार हो चुका है। ये थोड़ी भाप आ रही है इसलिए आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बना है। और इसी तरह का हमें रखना है, तो मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें नींबू का रस डालूंगी। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए मार्केट जैसे से तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने पेटीज रख ली है और इसके ऊपर अब हम गरम गरम रगड़ा डालेंगे। मार्केट वाले आपको इसी तरह से बनाकर देते हैं। ये देखिए दिख रही है ना, बहुत टेस्टी। और सबसे पहले इस पर थोड़ी सी हरी चटनी डालेंगे और थोड़ा सा इमली की चटनी। हरी चटनी और इमली की चटनी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आपको, तो आप देख लीजिएगा। और हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा एक चुटकी, और एक चुटकी मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, अगर आप नहीं खाते हैं तो मत डालिएगा, बट ये प्याज से बहुत स्वादिष्ट लगती है। और हरे धनिए के साथ हम इसे
हरी धनिया के साथ हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए बन गई हमारी चाट, यानी कि रगड़ा पेटीज, जो बहुत ही टेस्टी होती है। और इसे गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिएगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगी। तो प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।